नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत। आप देख रहे हैं रोरिंग फिल्म्स को यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं GoPro के लिए बेस्ट लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड को कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूं। यदि आप आपके GoPro के लिए या कोई भी लाइट वेट कैमरा के लिए एक अच्छा लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड को ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं कम बजट से हाई बजट तक के सारे बेस्ट सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड्स को कंपैरिजन करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और इस वीडियो के अंत में मैं आपको आपके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है ये भी बताऊंगा। और ये सारे सेल्फी स्टिक्स है ना, मोबाइल के साथ भी कंपैटिबल है। और इन सारे सेल्फी स्टिक्स का लिंक्स को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप उन लिंक से परचेस भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम 500 रुपीज़ से शुरू करेंगे। इसके नीचे के सेल्फी स्टिक्स को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनके बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। हम मिनिमम 500 रुपीज़ से शुरू करेंगे। 500 रुपीज़ का सेल्फी स्टिक ये है, देखिए, इसका नाम है एंटेंग YT1288। एक लॉन्ग सेल्फी स्टिक मोनोपोड है। मोनोपोड का मतलब सिंगल लेग रहता है, ट्राइपॉड का मतलब तीन लेग्स होते हैं। ये 113 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, मतलब इसका हाइट 113 सेंटीमीटर तक है। और इसके साथ मोबाइल होल्डर भी आता है, और इसका मोबाइल होल्डर है ना दोस्तों, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। और एक ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर भी आता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। और नीचे इसको पकड़ने के लिए इस तरह का एक रस्सी मिलता है, और ये GoPro के साथ बहुत अच्छी तरह से कंपैटिबल है। यदि आप एक बजट फ्रेंडली बेस्ट सेल्फी स्टिक को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस सेल्फी स्टिक की जरिए से आप वर्टिकल मोड में भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। इसके साथ वीडियो सैंपल को देखेंगे। ये है इस सेल्फी स्टिक के साथ नॉर्मल मोड में वीडियो सैंपल, और ये है लॉन्ग करने के बाद वीडियो सैंपल। 113 सेंटीमीटर में इस तरह से वाइड व्यू में एक व्यू मिलता है, एक नज़ारा मिलता है। यदि आप ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, आपको लंबा लॉन्ग व्यू चाहिए तो आप इस सेल्फी स्टिक को कंसिडर कर सकते हैं। ये था 500 रुपीज का सेल्फी स्टिक। उसके बाद नेक्स्ट सेल्फी स्टिक है उलांजी MT34। ये लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है। यहाँ देखिए, ट्राइपॉड है, तीन लेग्स है। इससे आप स्टेबल वीडियोस को शूट कर सकते हैं, टाइम लैप्स को भी शूट कर सकते हैं। इसका हाइट है 81 सेंटीमीटर। ये 81 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और इसके साथ मोबाइल होल्डर भी आता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। इस सेल्फी स्टिक को मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है। रफ एंड टफ यूज़ किया हूँ, बीच में यूज़ किया हूँ, पहाड़ में यूज़ किया हूँ, बारिश में यूज़ किया हूँ, गर्मी में यूज़ किया हूँ, हर तरह के सिचुएशंस में यूज़ किया हूँ। इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा है, और इसका मोबाइल होल्डर का क्वालिटी भी अच्छा है। इसके साथ आप वर्टिकल मोड में भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। और ये छोटा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली आपके बैग में बैठता है। और इसका प्राइस है लगभग ये 1000 रुपए के आसपास है, मान लो कि 1000 रुपीज। नॉर्मल व्यू में वीडियो इस तरह से आता है, और ये है लंबा करने के बाद 81 सेंटीमीटर में इस तरह से वीडियो आता है। अब हम नेक्स्ट सेल्फी स्टिक को देखेंगे। नेक्स्ट है मोबी लाइफ का लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड। ये मोबाइल के साथ भी कंपैटिबल है, और GoPro के साथ भी कंपैटिबल है, और ये सुपर लॉन्ग है दोस्तों। ये 156 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और इसके साथ तो ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर आता है, और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है। और इसका प्राइस है दोस्तों 1900 रुपीज, लगभग 2000 के आसपास ये मिलता है। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, और स्मूथली ये लंबा होता है, और ये अलॉय मेटल से बिल्ट हुआ है। ये सारे सेल्फी स्टिक्स मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब मेटल क्वालिटी का है, इनका बिल्ट क्वालिटी भी अच्छा है। और ये सेल्फी स्टिक है ना दोस्तों, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इस सेल्फी स्टिक के ऊपर एट ए टाइम मोबाइल को और GoPro को माउंट कर सकते हैं। मोबाइल से आप वर्टिकल वीडियोस को शूट कर सकते हैं, और GoPro से हॉरिजेंटली शूट कर सकते हैं। स्टेबल वीडियोस को शूट करते टाइम और टाइम लैप्स को शूट करते टाइम आप ट्राइपॉड को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप पहाड़ वहाड़ चढ़ते हैं तो, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो, या किले के ऊपर वगैरह चढ़ते हैं तो, आपको सुपर लॉन्ग व्यू में, वाइड व्यू में नज़ारा दिखाना है तो
आप इस सेल्फी स्टिक को कंसिडर कर सकते हैं। अब हम इसके साथ वीडियो सैंपल को देखेंगे। नॉर्मल में वीडियो इस तरह से आता है और लंबा करने के बाद यानी 156 सेंटीमीटर लंबा करने के बाद इस तरह से फुल व्यू आता है। इसके साथ आप वर्टिकल मोड में भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। फुल्ली वर्सेटाइल है ये। इसके बाद और एक नेक्स्ट सेल्फी स्टिक को परचेस किया था, वो है अलांजी MT44। और इसके साथ मेरा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये भी लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड है और ये भी 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। और इन सारे सेल्फी स्टिक्स में इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसको टेस्टिंग करते वक्त ये दूसरे दिन ही टूटा है। इसका ये बीच का स्टिचेस है ना दोस्तों, स्मूथ नहीं है, बहुत हार्ड है। और इसके चक्कर में लंबा करते टाइम ये बीच में ही टूट गया। अब मैं इधर फेविक्विक को लगा के उधर परमानेंटली अटैच किया हूँ, लेकिन ये टूटा है ना दोस्तों। मैं इसके साथ समुद्र के ऊपर जिपलाइन वगैरह कर रहा था, उस टाइम में टूटा होता तो सोचिए माइक था, गोप्रो था, बहुत बड़ा नुकसान होता था। हम क्या सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे दिया तो हमको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ज़्यादातर केस में ज़्यादा पैसा दिया तो अच्छा प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन ये हर बार सच नहीं होता। सो मैं महंगा सोच के इसको कंसिडर किया था, लेकिन इसके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इसी कंपनी का ओलांजी का ही ये है, देखिए MT34 ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। टोटल मैं 4 सेल्फी स्टिक्स के बारे में आपको बताया, उसमें एक तो अब आउट हुआ है, सिर्फ 3 बचे हैं। अब मैं आपको मेरा फाइनल थॉट्स को बताऊंगा। दोस्तों ये सेल्फी स्टिक्स है ना, इनका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और GoPro के साथ कंपेटेबल है। यदि आपका बजट बहुत टाइट है, आप एक बजट फ्रेंडली बेस्ट लॉन्ग सेल्फी स्टिक को ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये 500 रुपीज का एंटेंग YT1288 बेस्ट हो सकता है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है और बजट फ्रेंडली है, और इसका मोबाइल होल्डर अच्छा नहीं, लेकिन GoPro के साथ ये बहुत अच्छी तरह से फिटली बैठता है। यदि आप मोबाइल के लिए भी अच्छा हो और GoPro के साथ भी अच्छा हो और बजट फ्रेंडली हो ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये ओलांजी MT34 बेस्ट हो सकता है। ये 81 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और मोबाइल के साथ भी ये अच्छी तरह से बैठता है और GoPro के साथ भी अच्छी तरह से बैठता है और रफ एंड टफ है। यदि आप सुपर लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड को ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये मोबी लाइफ का लॉन्ग सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड बेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर आप एट ए टाइम मोबाइल को भी माउंट कर सकते है, GoPro को भी माउंट कर सकते है। यदि आप ट्रेकिंग वगैरह करते है तो किले के ऊपर वगैरह चढ़ते है, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से में से कोई एक उठा लीजिए और काम को शुरू कीजिए। इन सारे सेल्फी स्टिक्स का लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। दोस्तों यदि आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को ज्वाइन करके बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल तक अडोबी प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीख सकते हैं। कोर्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें, या तो roaringfilmschool.com को विजिट करके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप हमारे मोबाइल वीडियो एडिटिंग कोर्स को और YouTube क्रिएटर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इन सेल्फी स्टिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपके पास कोई और अच्छा सेल्फी स्टिक है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।